हेलो बच्चों, सनराइज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम गरमाने के बारे में जानेंगे। गरमाना क्या होता है और इसके क्या महत्व है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गरमाने का अर्थ, किसी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए मांसपेशियों को उसके अनुरूप तैयार करना पड़ता है। यानी कोई भी कार्य ठीक तरीके से करने के लिए हमारे शरीर की मांसपेशियों को उसके अनुरूप तैयार करना पड़ता है, इसे मांसपेशियों का गरमाना कहते हैं। अतः गरमाने का अर्थ है शरीर को प्रतियोगिता अथवा कार्य के लिए या खेल के लिए उचित अवस्था में लाना या उचित व्यवस्था में लाना। इससे अच्छे परिणाम निकलते हैं और शरीर को कोई आघात नहीं पहुंचता, यानी कि शरीर को कोई चोट भी नहीं लगती। शरीर को गरमाने का महत्व है, शरीर को गरमाने से हमारे शरीर में अनेक लाभदायक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि शरीर को गरमाने से श्वसन प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार सुधार हो जाता है, यानी श्वसन प्रक्रिया ठीक होती है। शरीर को गरमाने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, यानी शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ता है। खेल प्रतियोगिता से पूर्व शरीर को गरमाना बहुत आवश्यक है। यदि शरीर को बिना गरमाए प्रतियोगिता में भाग लिया जाए तो खेल में चोट लगने की संभावना अधिक रहती है, यानी चोट लगने की संभावना ज्यादा रहती है। अच्छी तरह शरीर को गरमाने से खिलाड़ी को अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है। इससे शरीर में अधिक कार्य करने की क्षमता भी आ जाती है। रक्त संचार आवश्यकता अनुसार बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त कार्य भार के अनुरूप हो जाता है। शरीर व मांसपेशियों में तालमेल व सामंजस्य बनाए रखने के लिए शरीर को गर्माना आवश्यक है, बहुत जरूरी होता है। इससे मांसपेशियां शरीर के अनुकूल हो जाती है और चोट लगने की संभावना नहीं रहती। इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों व इंद्रियों में आपसी तालमेल बढ़ जाता है, यानी गर्माने से शरीर के विभिन्न भागों में और इंद्रियों में भी तालमेल बढ़ता है। इससे फेफड़ों में सांस खींचने और छोड़ने की प्रक्रिया का विकास होता है, यानी सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो भी तेज होती है और मजबूत होती है। खेल प्रतियोगिता से पूर्व शरीर को गर्म करने से खिलाड़ी अपने खेल मुकाबलों के प्रति मानसिक तनाव कम हो जाता है, जिससे उसका प्रदर्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा गर्माने का एक ये भी इफेक्ट है कि इससे मानसिक तनाव कम होता है और प्रदर्शन अच्छा कर पाता है खिलाड़ी। शरीर को गर्माने से पाचन क्रिया में सुधार होता है। शरीर को गर्माने से एक तो भूख अधिक लगती है, दूसरी ओर भोजन शीघ्र पच जाता है। यानी शरीर को गर्माने से पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है, भूख ज्यादा लगेगी और जो भी कुछ भी आपने खाया है वो जल्दी पच जाएगा। गर्माने से खिलाड़ी शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। शरीर को गर्माने से उसका भय भी खत्म हो जाता है और खेल खेलने के लिए उसमें आत्मविश्वास और हौसला भी उत्पन्न होता है। कसरत से मानवीय शरीर में लाल रक्तकणों व हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि होती है, यानी ब्लड की भी मात्रा बढ़ती है। इससे बढ़ने से शरीर तंदुरुस्त रहता है, चुस्त रहता है। तंदुरुस्त और चुस्त शरीर खिलाड़ी की कुशलता में वृद्धि करते हैं। शरीर के अंदरूनी तोड़फोड़ मानवीय शरीर की कमजोरी व सुस्त बनाती है, इससे कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। खेल से पहले गर्माना शरीर की अंदरूनी तोड़फोड़ को ठीक करता है, यानी आंतरिक जो सेल्स होती है, टिश्यूज होते हैं, उनको भी ठीक करता है, जिससे खिलाड़ी में कुशलता बढ़ती है। तो ये सभी महत्व थे शरीर को गर्माने के, इसलिए हमें शरीर को जरूर गर्माना चाहिए।